मेहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल ये शेरवानी देख के खुश हो जाएगा, उसका चेहरा एकदम से खिल जाए। क्या बात कर रही है दिशा जी, मेरे लिए दो दो रिश्ते हैं। अरे हाँ हाँ, कभी भी मिल सकता हूँ, भेज दीजिए। आज नहीं, आज रहने दीजिए। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, एक पार्टी को सुबह एक पार्टी को शाम को मिल लूंगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, बाय 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 बाय। अरे वाह वाह वाह, शेरवानी के घर से निकलते ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। अंजना जी बिल्कुल सही कह रही थी, शेरवानी अड़चन थी, अब मेरी शादी होकर रहेगी। पंडित जी को फोन करके बोल देता हूँ शादी के लिए तैयार रहे। यजमान नमस्ते। पंडित जी क्या बात है, क्या टाइमिंग है आपका, अभी मैं आपको ही फोन लगा रहा था। मुझे पर क्यों यजमान? अरे मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, मेरी शादी कभी भी हो सकती है, आप अपने आप को फ्री रखिएगा। पर रिश्ते तो पहले भी आते थे आपको। हाँ लेकिन एक बाधा की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, उस बाधा को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है, अब मेरी शादी कभी भी हो सकती है। अरे ये तो खुशखबरी है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ है। सच में ऊपर वाले ने सही वक्त में मेरे जीवन से बाधा दूर कर दी। इस बार आपकी शादी का पूरा योग बन रहा है, इसलिए ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में दूल्हे के वस्त्र भी भेजे हैं आपके लिए, ये लीजिए। इसमें क्या है? अभी दिखाता हूँ। अरे ये तो मेरी शेरवानी है। हाँ अब ये आपकी ही शेरवानी है। अरे ये आपको कहाँ मिले? मुझे ये शेरवानी मंदिर में दान पेटी के पास मिली, किसी की मन्नत होगी वो पूरी हो गई होगी, इसलिए चढ़ावे के रूप में कोई वहां रख के गया था। ये आपकी कड़ी तपस्या का फल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है ये। मुझे ये नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लीजिए। अरे जजमान मैं क्या करूंगा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो आप अपने बच्चे को दे दीजिएगा। अरे मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, पांचवी और सातवीं में पढ़ते हैं, उनकी शादी के लिए तो बहुत टाइम है। तो नाइट सूट समझ के पहन लीजिएगा पंडित जी। नहीं नहीं मैं इसे नहीं रख सकता। अरे पंडित जी समझने की कोशिश कीजिए, आप ये किसी और कुंवारे को दे दीजिएगा। देखिए जजमान, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से सिर्फ एक आप ही कुंवारे बचे हैं। अरे क्या दुनिया में मैं एक ही कुंवारा बचा हूँ? अरे लेकिन मैं अब कुंवारा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, आप रख लीजिए इसे। अरे पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप कैसे भी कुछ भी करके इसे यहाँ से ले जाइए। मैं क्या करूंगा, रख लीजिए, मैं चलता हूँ, मंदिर में आरती का समय हो गया। अरे पंडित जी, और पंडित जी मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ आप बोलिए निशा जी। क्या दो दो रिश्ते कैंसिल हो गए? कैसे, कुंडली मैच नहीं हो रही? अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका क्या कसूर है, आप क्यों सॉरी कह रही है? अरे कसूर मेरी बाधा का है, बाद में बात करता हूँ। अंजना जी सही थी, इसके घर पे आते ही शादी में बाधा पड़ गई, रिश्ते कैंसिल हो गए मेरे, इसको मुझसे दूर करना ही होगा, मैं खुद भी जाके इसे कहीं फेंक नहीं सकता, क्या करूं? ये काम टप्पू सेना को देता हूं और इस बार बोलता हूं कि खुद अपने हाथों से किसी कुंवारे के हाथों में देना, ताकि इसके वापिस आने की गुंजाइश ही ना हो। टप्पू सेना को फोन करके क्लब हाउस में बुला लेता। यार फ्रेंड्स बहुत टेंशन हो रहा है, पोपट अंकल ने हमें यहाँ पे क्लब हाउस में क्या बात करने के लिए बुलाया होगा। अरे इतना क्यों टेंशन हो रहा है? अरे वो पिछले हफ्ते हम पोपट अंकल के घर गए थे ना चाय पीने, तब उन्होंने मुझे किचन से पानी लाने भेजा था, तो किचन में वो काजू बादाम का पैकेट था, मैं पूरा खा गया था। मुझे लगता है उसकी क्लास लेने ही पोपट अंकल यहाँ आ रहे हैं। अरे नहीं गोली, उन्हें जरूर कोई और काम होगा, तू चिल कर। बच्चों बच्चों मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी काम है। ओ, आपको काम की बात करनी है, काजू बादाम की नहीं? काजू बादाम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, अब बताए ना काम क्या है। देखिए आप लोगों को पोपट अंकल का बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है,
ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में देना है। बस इतनी छोटी सी गल, एक मिनट, हेलो, दे दिया। एक होगी है होशियार, मेरे हाथ में नहीं देना है, किसी और कुंवारे के हाथ में देना है। ओ अच्छा, सॉरी 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 पोपट अंकल। हेलो डब्बू, अब तो दे दिया। ए भाई मजाक मत कर, सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी के बाहर के किसी कुंवारे के हाथ में देना है। लेकिन पोपट अंकल, किसी कुंवारे को ही क्यों देना है? ये मेरी एक मन्नत है जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं सकता। आप लोगों ने ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में दे दी ना, तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। पर पोपट अंकल, आप ये बैग खुद क्यों नहीं दे रहे हो? वो देखो क्या है ना टप्पू सेना, आप लोग मेरे लिए बहुत लकी हो। अगर आप लोग ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में देंगे ना, तो मेरी मन्नत पक्का पूरी हो जाएगी। लेकिन पोपट अंकल, इस बैग में है क्या? वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, और तुम लोग भी गलती से इसे खोलकर इसमें मत देखना कि इसमें क्या है, वरना मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये बैग हमें किसी कुंवारे को देनी है और इसके अंदर क्या है वो देखना नहीं है। पोपट अंकल, और कोई इंस्ट्रक्शन? हाँ, एक और इंस्ट्रक्शन है, बैग कुंवारे के हाथ में रखने के बाद तुम लोग तुरंत वहां से निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। ओके ओके, ठीक है। देखो बच्चों, तुम लोग ठीक से समझ गए ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारे पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है। हाँ पोपट अंकल, समझ गए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपका ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। अरे वाह, थैंक यू, बस ये काम कर दो, रात को सब मिलके पिज्जा पार्टी करेंगे। तब तो फिक्स है पोपट अंकल, डोंट वरी, आपका काम समझो हो गया। चलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से कोई कुंवारे को ढूंढते हैं। चलो चलो। हेलो, हाय, आप कुंवारे हो क्या? सत श्री अकाल अंकल, आप कुंवारे हो क्या? हाय हाय अंकल, आप कुंवारे हो क्या? जी नहीं। सॉरी, बाय। हाय, क्या कुछ भी बोल रहा है अंकल, के हाथ में बच्चा था, वो कुंवारे कैसे हो सकते हैं? तो क्या हुआ सोनू, बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है ना। वो पॉइंट भी है, बट उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो कुंवारे। ठीक, चल आगे देखते हैं। अंकल, आप कुंवारे हो क्या? सॉरी 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 अंकल। तू क्या कर रहा है? तो बुजुर्ग अंकल से पूछ रहे हैं कि वो कुंवारे की नहीं। अरे क्या करूं टप्पू यार, कब से कोई कुंवारे को ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा, इसीलिए जो सामने आ रहा है उसे पूछ रहा हूँ। अरे मिल जाएगा मिल जाएगा, चल आगे देखते हैं। चल। एक्सक्यूज मी, आप कुंवारे हो क्या? अच्छा सॉरी। थैंक यू। हाँ टप्पू, कब से ढूंढ रहे, कोई कुंवारा मिल ही नहीं रहा है। सोनू, ढूंढना तो पड़ेगा ना, पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है। चल आगे देखते हैं। हाँ। Excuse me. अंकल, आप कुंवारे हो क्या? हाँ, मैं कुंवारा हूँ, पर शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, कोई रिश्ता है क्या? अरे नहीं 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 अंकल, रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके लिए एक मस्त गिफ्ट है। एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स फ्रेंड्स, क्या हुआ? ये कुंवारे है। अरे मेरे कुंवारेपन का ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? क्यों मेरा सबके सामने मजाक बना रहे हो? हटो, मुझे जाने दो। अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए अंकल। अरे मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाने दो। अंकल अंकल अंकल, आधे घंटे बाद एक कुंवारा मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। यार अब सीरियसली मैं कंटाल गया हूँ यार, एक भी कुंवारा नहीं मिल रहा है। यार मैं थक गया हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। गोली, पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है, अभी हमें ये काम पूरा तो करना ही पड़ेगा। हाँ गोली, हम ये बैग किसी कुंवारे को दिए बिना नहीं जा सकते। हाँ देख, जैसे कोई कुंवारा मिल जाएगा ना, हम फटाफट उसे बैग दे देंगे और फटाफट घर निकल जाएंगे। हाँ, तो कुंवारा ही तो नहीं मिल रहा है गोगी, कोई कोई कुंवारा नहीं है इधर। अरे बच्चे लोग, तुम लोग कुंवारे को क्यों ढूंढ रहे हो? एक्चुअली अंकल, हमें ये बैग किसी कुंवारे को देना है और इसके अंदर कुंवारे के लिए एक कीमती गिफ्ट है। ये कोई फालतू सामान बेचने का स्कीम तो नहीं है ना? नहीं अंकल, वो हमारे सोसाइटी में अंकल है ना, उनकी मन्नत है, उनकी मन्नत पूरी हो इसलिए ये बैग हमें किसी कुंवारे को देना है। हाँ लाओ, दे दो मुझे, मैं कुंवारा हूँ। वाह वाह, मैं फाइनली कोई कुंवारा मिल गया।
देखा गोली, कुंवारा खुद अपने सामने आ गया। तो बेस्ट है ना, टैक्सी वाले अंकल को ये बैग दे देते पोपट अंकल वाला। हाँ टप्पू जल्दी बैग दे जल्दी। अंकल 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 ये बैग हमारे सामने मत खोलना, इसके अंदर क्या है वो हमने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी मतलब? ऐसी कौन सी खतरनाक चीज है इसमें? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अंकल इस बैग में कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो क्या है इसके अंदर वो पहले बोलो। अरे अंकल वो एक्चुअली हमको भी नहीं पता है बैग के अंदर क्या है। तुम्हें नहीं पता इसके अंदर क्या है तो दे क्यों रहे हो? चोरी का है क्या? अरे नहीं 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 अंकल ये कोई चोरी का बैग नहीं है। हमने आपको बताया ना कि ये बैग हम किसी कुंवारे को देंगे ना तो किसी की मन्नत पूरी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ये बैग दे रहे हैं। हाँ और अंकल वो मन्नत कुछ इस प्रकार है कि अगर हम बैग के अंदर क्या है वो देख लेंगे ना तो मन्नत पूरी नहीं होगी। हाँ इसीलिए हम जब यहाँ से जाए ना उसके बाद आप ये खोलिए और देख लीजिए। शक्ल से तुम लोग शरीफ घर के लगते हो, इसलिए तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेता हूँ। लाओ दे दो मुझे। थैंक यू अंकल। पापा इतने पेशेंट रखते हैं। सॉरी भगवान, गिफ्ट के लिए झूठ बोलना पड़ा कि कुंवारा हूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा ये तो शेरवानी है, मेरे किस काम की, पर है एकदम जबरदस्त, एकदम नई। इसको बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद तुझे बेचकर पैसे मिल जाएंगे मुझे। इसे क्या हुआ अचानक, क्यों झटके खा रही? लगता है इसमें फिर वही क्लच प्लेट का लफड़ा होगा। अरे यार पहले इसे रिपेयर कराने गैराज ले जाना पड़ेगा। अप्पू सना का फोन नहीं आया, पता नहीं उन्होंने शेरवानी किसी को दी है या नहीं। तो पहले से कुंवारापन पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसमें अब शेरवानी भी लाइन में जुड़ गई। आ गया फोन। हेलो, कांग्रेचुलेशंस पोपट अंकल, आपका काम हो गया है। हमने आपका बैग कुंवारे को दे दिया है। थैंक यू बच्चों, लेकिन वो बैग कहीं से मेरे पास वापस तो नहीं आ जाएगा ना? अरे वापस कैसे आएगा पोपट अंकल, वो बैग तो हमने कुंवारे टैक्सी ड्राइवर को दे दिया है। अरे वाह 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 बच्चों, आप लोगों ने अपने पोपट अंकल का बहुत बड़ा काम किया है। अरे पोपट अंकल एनी टाइम, बस याद रखना रात को आपके घर पे पिज्जा पार्टी करने आ रहे हैं हम। अरे डन बच्चों, रात को मेरे घर पर पिज्जा पार्टी। चली गई मेरी शादी की सबसे बड़ी बाधा वो शेरवानी, मेरी जिंदगी से दूर चली गई। अब वो कभी वापस मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। यस। ओए पापा जी। ओए छोटू, हर बार टैक्सी का काम करा के जाता है और पैसे मांगने पर पैसे की जगह बहाने देकर जाता है। आने दे अभी, आज तो छटांगा नहीं पैसे लेकर ही रहूंगा। छोटी ब्रा कैसे हैं? छोटू ओ मैं तो चंगा हूं, लेकिन एक बात याद रख, जो लोग फ्री फंड में काम करा के जाते हैं ना उनके लिए मैं बहुत बुरा हूं। इस बार गाड़ी रिपेयर कर दो, अगली बार पैसे दे दूंगा। ओ ये बात तो तूने पिछली बार भी कही थी। वो पिछली बार के 2500 अभी भी बाकी हैं। वो पहले 2500 रुपए दे, तभी तेरी गड्डी का काम शुरू करवाऊंगा। अभी मैं कहां से दूं 2500? एक मिनट। ये लो 2500। ओए छोटू, ये कौन सी करेंसी है जो तू मुझे बैग में दे रहा है? छोटी भाई ये शेरवानी मुझे गिफ्ट मिली है, एकदम नई है। इसको बेचकर आपको 2500 से ज्यादा ही मिलेंगे। पकड़ जरा देखूं। इस शेरवानी का मैं क्या करूंगा, वो मेरी शादी तो हो चुकी है। आपका कोई तो दोस्त होगा रिश्तेदार जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसे बेच देना। हाँ वो मेरा एक दोस्त है पप्पू, जो कुंवारा है, सुबह से उसका पोपटो रखा है,
बेचारा बहुत उदास है, ये शेरवानी देखेगा ना तो खुश हो जाएगा और जचेगी उस पर। तो बस इसको आप रख लो, इसके बदले मेरा पुराना हिसाब माफ। चल तेरा पुराना हिसाब माफ, लेकिन इस बार गड्डी के रिपेयरिंग के पैसे देकर जाना। वो अगली बार दे दूंगा, पुरानी उधारी खत्म, नई शुरू। तू नहीं सुधरेगा, चल जा, तू खुश रह। और तूने आज मेरा दिल खुश कर देता है। ओए बंटी, ओ इसकी गड्डी का काम शुरू कर दे, तब तक मैं जाके अपने दोस्त का दिल खुश करके आता हूँ। ये हो गई शेरवानी की बढ़िया सी गिफ्ट पैकिंग। मुझे तुसी बैठ जाओ इतने, मैं भी बैठता हूँ। वो रोशन डार्लिंग को तो बताना भूल गया कि मैं घर आ रहा हूँ। रोशन नो फोन। हाँ रोशन, बोलनी। ओए मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी। चोरनी? अरे दिल चुराने वाली चोरनी। I love you ना? रोशन, तूने ये बोलने के लिए गैराज से इधर फोन किया है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं गोकुलधाम आ रहा हूँ। अभी इस वक्त सूट है, सब ठीक है ना? अजी सब चंगा है, वाहिगुरु दी मेहर है। मुझे पोपू के लिए ना मस्त शेरवानी मिली है, उसको सरप्राइज गिफ्ट में वो शेरवानी देंगे ना तो उसका दिल खुश हो जाएगा। रोशन रोशन, आज तो बहुत सारू काम के दुआ। पोपट भाई के साथ आज जो हुआ उसके बाद उनकी शादी के सारे अरमान सो गए हो। ओए सोने हो, ये शेरवानी देख के पोपू के शादी के सोए हो अरमान, वो जाग भी जाएंगे तो उठ के भंगड़ा भी करने लगेंगे। यस यस, पर तुझे शेरवानी मिली किधर से? ओ सोनिए, ओ तू आम खा गुटलियां नागिन, बस तू तैयार रह, चल के ना साथ में सरप्राइज देते पप्पू को। हाँ सारू सारू। अच्छा रोशन सुन, शेरवानी को बढ़िया सा गिफ्ट रैप करवा देना। हाँ ओए मेरी पोली पार्सन, ओए तू इस रोशन की सोडी को अंडर एस्टिमेट ना कर, ओए गिफ्ट पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तू अच्छे, बस तू तैयार रह, मैं यूं निकला और यूं पहुंचा। ओके बाय। ये शेरवानी चौक्कस पोपट भाई के लिए लकी होगी। कुड़ाए जल्दी से उनका रिश्ता तय हो जाए। क्या बोल रही है निशा जी, मेरे लिए एक और रिश्ता है। हाँ लड़की वालों को आप बहुत पसंद आए, कल सुबह 11 बजे का मिलने के लिए बोल रहे हैं। मिलने की भी जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। अरे नैनी पोपटलाल जी, ऐसे बिना मिले हाँ मत कीजिए, एक बार मिल लीजिए, कल सुबह 11 बजे का टाइम मैं फिक्स कर देती हूँ। अरे कर दीजिए, मैं उनका जबरदस्त स्वागत करूंगा। लेकिन निशा जी ये रिश्ता तो कैंसिल नहीं होगा ना? अरे नैनी पोपटलाल जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और मैं कल उनको 11 बजे भेजती हूँ, और लड़की की बाकी डिटेल्स आपको फोन पे भेजती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी प्यारी शेरवानी, तेरे बलिदान से मेरा कल्याण तो हो रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब कभी मुलाकात नहीं होगी। ओए पापा जी, बस थोड़े हो दूध बुलाए दे टोड़े हो। हाँ देखो क्या मस्त पैकिंग जैकिंग करवा के लाया हूँ। अच्छा खरेखर बहुत सोचू है ना भाई, आज तो ना ये शेरवानी को देखकर मेरा यार पप्पू जो है एकदम चल्ला हो जाएगा, वो खुशी से झूम उठेगा, वो पांगड़े सांगड़े तो बल्ले बल्ले करने लगेगा। गाड़ी खड़े होके बल्ले बल्ले करता रहेगा कि चल के उनको गिफ्ट भी देंगे। चल चल। अब तक तो शेरवानी मुझसे दूर, बहुत दूर जा चुकी होगी। पप्पू, अरे अरे पप्पू देख कौन आया है। अरे सोढ़ी रोशन भाभी, कौन है? देख अगर तू रिश्ता लेकर आया ना तो मैं आज नहीं मिल सकता, कल मिलूंगा। अरे नहीं नहीं पप्पू, लड़की वाले नहीं, हम दोनों आए हैं और तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाए। क्या लाए हो? एक गिफ्ट को पिछू क्या छुपा के रखा है? ये देख तेरे लिए गिफ्ट। हमको पता चला आज आपका दिन अच्छा नहीं गया है, इसलिए तेरा दिन बनाने के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू सोढ़ी रोशन भाभी, आप गोकुलधाम वाले मेरा कितना ख्याल रखते हैं, पर इसमें है क्या? मुझे कहा ना वो सरप्राइज है। लेकिन सरप्राइज क्या है? मुझे बताऊँ क्या, खुद ही खोल के देख ले। अच्छा, वो ये सरप्राइज देखकर तेरे होश ही उड़ जाएंगे। देखना ये गिफ्ट देखकर आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। अच्छा अभी देखता हूँ। ला दे। जबरदस्त गिफ्ट लग रही है, क्या है इसमें?
वापस छोड़े हो। अब देखा ना, शेरवानी देखकर पोपू का दिल खुश हो जाएगा, वो खुशी के मारे चूम उठेगा। शेरवानी सरप्राइज। देखा देखा, मैंने कहा था ना होश उड़ जाएंगे, उड़ गया ना होश। भगवान, ये किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है मुझे। जब जब शेरवानी को घर से बाहर निकालता हूँ, किसी ना किसी बहाने वापस आ जाती है। दोस्तों, पोपटलाल और उसकी किस्मत में मानो तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। पोपटलाल किसी भी तरह से अपनी शेरवानी से पीछा छुड़वाते हैं और किस्मत का खेल देखिए करारा जवाब देती है किस्मत, और शेरवानी फिर से घूम फिर के लौट आती है पोपटलाल के पास। अब चाचा जी को दी मंदिर में दान करने के लिए, पंडित जी ने लौटा दी, और अब टपू सेना के जरिए दी शेरवानी तो सोढ़ी के हाथ लग गई और सोढ़ी इसे तोहफे में देने के लिए आ गया। अब क्या किया जाए, अब क्या करेगा पोपटलाल, किस तरह से पीछा छुड़वाएगा शेरवानी से। मान लीजिए कोई हथकंडा करके शेरवानी से पीछा छुड़वा भी लिया तो क्या शेरवानी फिर से लौट आएगी कोई नई मुसीबत लेके। अब ये तो वक्त बताएगा। मित्रों, शेरवानी और पोपटलाल के बीच की जंग क्या रंग लाती है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।